लैपटॉप दे दिया ना इसके साथ एक गिफ्ट नहीं कुछ तो गिफ्ट दिया एक पेन ड्राइव एंड कुछ तो गिफ्ट दिया दिवाली आ रहा है कुछ भी और ये सब माइक का कितना पड़ जाएगा सब अलग अलग रेंज में है स्टार्टिंग वही 4.5-5 हज़ार से चालू है इसका बताइए 5,500 रुपीज़ इसको मोबाइल इसमें क्या मतलब फायदा है इसलिए मतलब लिए डिस्टेंस ज़्यादा रहने से ना साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो ये वाले लैपटॉप में गाइस प्रॉब्लम आ चुकी है मेरी लैपटॉप नहीं आकाश की लैपटॉप है साथ ही साथ मेरा जो ब्रांड न्यू रोड का माइक आ चुका है उसका डिलीवरी भी लेते हैं सो चलते गाइस एयर इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर गाइस मैंने जो अपना माइक मंगवाया है सो लगभग गाइस शाम के जो है 5:30 बज रहे होंगे अभी हम लोग चलते हैं एयर इलेक्ट्रॉनिक्स अपना जो है माइक डिलीवरी लेते हैं साथ ही साथ जो लैपटॉप का प्रॉब्लम है उसे मैं सर्विस के लिए दे देता हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है किस किस तरह का माइक अवेलेबल है हालांकि ये माइक अवेलेबल नहीं था मैंने जो है स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया है तो अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हो तो आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो आपको जो है एयर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर तरह का गैजेट मिल जाएगा आपको साउंड रिलेटेड लाइटिंग रिलेटेड या फिर कैमरा माइक ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है ये आपको आसनसोल में और कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एयर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा मैं चलता हूँ गाइस अपना माइक लेता हूँ दिखा देता हूँ कि आपको और भी क्या क्या चीज़ें जो अवेलेबल है वहाँ पर करना पड़ेगा सिग्नल पर ग्रीन होने पर तो जिन लोगों को पता नहीं है गाइस एयर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ बस स्टैंड के ऑपोजिट में एडीडी मार्केट पे तो फाइनली गाइस सिग्नल जो है ग्रीन हो चुकी है तो यहाँ से हमें जो है राइट लेना होगा और जो न्यू बस स्टैंड है मतलब उसके ऑपोजिट में आपको एयर इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगा एडीडी मार्केट के दुर्गा मार्केट के जस्ट बगल में जनरली एयर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है गाइस काफ़ी पॉपुलर है लैपटॉप के लिए आपको हर तरह का लैपटॉप जो है काफ़ी कम पैसे मिल जाएगा बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू बाय माई न्यू ब्रांड न्यू रोड माइक क्योंकि एक वायरलेस माइक है काफ़ी हेल्प होगा हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए अपकमिंग वीडियोस में मैं वो अपने यूज़ करूँगा हालांकि वो अवेलेबल नहीं था स्पेशली मैंने मंगवाया है और अगर आप गाइस एक कंटेंट क्रिएटर हो एक यूट्यूबर हो बिगिनर यूट्यूबर हो आप अगर व्लॉग्स बनाना चाहते हो तो आपको जो ए टू जेड इक्विपमेंट चाहे वो ट्राईपॉड हो चाहे वो कैमरा हो या फिर माइक हो या फिर रिंग लाइट सब कुछ आपको जो है सिर्फ एयर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा आसनसोल में और कहीं पर नहीं चल रहा भैया वो सब छोड़िए मेरा माइक आया कि नहीं बहुत परेशान है हम आ गया ना बैठिए मेरे लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो दीजिए सर्विस करवा देते हैं वाईफाई उड़ गया उसका कोई दिक्कत नहीं सर्विस करवा देते हैं और बोलिए बहुत बात है माइक लेना था ना आपको माल इतना लेट कर दिया इशू हम लोग भी थोड़ा सा एक एनजीओ हम लोग स्टार्ट किए हैं अच्छा जिसका नाम है उडीक ओके बेसिकली हम लोग इस पे जितना सोशल एक्टिविटीज है वो तो कर रहे हैं मेन हम लोग का इसमें है ओल्ड एज हाउस एक अनाथ आश्रम बेसिक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल फॉर पुअर्स और स्टडी मतलब जो बच्चा एक्चुअल करना चाहता है उनका पढ़ाई का ध्यान देना स्पॉन्सर करना फिर गरीब लड़की लोग का शादी वादी का काम मृतक व्यक्ति का मान लीजिए अंतिम संस्कार के लिए अगर कुछ पैसा होता है ये सब आप मतलब चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम आपके साथ हैं और बताइए कि कितना माइक आपको मेरा वाला तो आया ना और कुछ बहुत सारा नया मॉडल्स जैसे आपको बोले थे रखने के लिए दो दिन में बना कर दिया ना भैया बहुत इमरजेंसी समझ रहे ना काम अटक जाएगा ना तो चार्जर भी देते आपको लैपटॉप दे दिया ना इसके साथ एक गिफ्ट कुछ तो गिफ्ट दिया एक पेन ड्राइव एंड कुछ तो गिफ्ट दिया दिवाली आ रहा है कुछ भी और ये सब माइक का कितना पड़ जाएगा सब अलग अलग रेंज में है स्टार्टिंग वही 4.5-5 हज़ार से चालू है इसका बताइए 5,500 रुपीज़ इसको मोबाइल में भी सेट हो जाएगा हाँ जी हो जाएगा 5,500
ये वाला ये सिंगल वाला है ना? हाँ जी भैया। इसका कितना प्राइस है? अप्रॉक्सीमेटली 20 के रेंज में, 20 के आसपास। ये डीएसएलआर वाला इसका कितना? 8 के आसपास है। 8 के आसपास है। आपके पास कैनन वाला माइक था ना? हाँ जी है ना। ऊपर मिलेगा वाला, वो नीचे नहीं मिलेगा। अब इसको अनबॉक्स कर सकते हैं? चलिए आप ही खोलिए, आप खुद सुबह आरम्भ कीजिए आपका। अच्छा ठीक है, चलिए कैमरा कैमरा पकड़िए। चार्ज करने के लिए ठीक है। इसके अंदर सही है, कैसे लगाएंगे भैया? ठीक है, कौन वाला ट्रांसमीटर है, कौन वाला रिसीवर है, समझ में नहीं आ रहा आपको? पता है ना भैया, ये वाला ट्रांसमीटर है, ये दो रिसीवर है। सही है, तो बड़ा ब्रांड नीला एक सुविधा नहीं लग रहा ना? अब इसमें क्या मतलब फायदा है? इसलिए मतलब लिए, डिस्टेंस ज़्यादा रहने से ना साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको इसमें ये वाला कैसे लगाएंगे? ओ अच्छा, लग जाएगा। अच्छा जी, इधर एक कैप है, इसके नाम पे आप बजाज फाइनेंस लोगे उनको लेके आना पड़ेगा। लग गया, सही है। थैंक यू वेलकम। गिफ्ट नहीं दीजिएगा? नहीं भैया। कितना बिल हो गया भैया एक बार फिर से? 28,000 रुपये। सो गाइस फाइनली मैंने अपना जो है माइक परचेज कर लिया भैया के पास। जो है हर तरह का माइक, अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हो तो जितना भी रिक्वायर्ड चीज़ है, जैसे लाइक ट्राईपॉड जब कितना ना 200-300 का गोरिल्ला पॉड मिनिमम, ट्राईपॉड कितना में आ जाएगा मिनिमम प्राइस में? 600 रुपये। हालांकि ये वाला माइक जो मैंने कहा काफ़ी एक्सपेंसिव लिया, ये लगभग मुझे 30,000 के आसपास पड़े। कितना आ गया लगभग? 28,000। कोई टैक्स वैक्स तो नहीं पड़ा ना? जितना है उतना ही। ऑनलाइन से काफ़ी सस्ता आ गया, हालांकि इससे सस्ता भी काफ़ी सारा माइक है। जैसे कि गाइस मैंने वो दिखाया रोड माइक्रो कहाँ गया? ओके, तो ये वाला माइक जो है लगभग 4,500-5,000 के आसपास आता है। कितना? 5,500 रुपये आता है। तो ये वाला माइक भी यूज़ कर सकते हो गाइस, अगर आपके पास कैनन का DSLR है मेरी तरह। तो एक कैनन का अलग माइक आता है, उसका जो शॉक माउंट रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बट ये जो रोड है कंपनी, ये साउंड के लिए काफ़ी फेमस है। इससे भी सस्ता माइक आपके पास है, 300 रुपये से माइक स्टार्ट है। अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हो, मोबाइल से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, तो भैया के पास 300-400 रुपये से जो है माइक स्टार्ट है। आपके पास लगभग सब कुछ मिल जाएगा एक बिगिनर यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर के लिए। लाइट सेटअप, रिंग लाइट, रिंग लाइट कितने से मिल जाएगा आपको? 1800 रुपये। सब कुछ गाइज आपको जो है एयर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा। और आसनसोल में कोई भी काउंटर पे आपको जो है बिगिनर यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर के लिए सामान आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो चाहे ट्राईपॉड हो, चाहे साउंड सिस्टम हो, चाहे माइक हो। ये इवन जो भैया का अपना कैनन का शोरूम भैया खोल कर रखे हैं, ये वाला कैनन का DSLR मैंने जो है इन्हीं से लिया था। अभी मैं कुछ दिनों में अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा एक फुल फ्रेम DSLR में। कैनन कर लेंगे या फिर सोनी का? कैनन। अब तो आप बोलिएगा भैया, कैनन बेस्ट है भैया, पिक्चर क्वालिटी, आउटपुट सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो मैं भैया का इस नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कुछ भी रिक्वायरमेंट तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला आइटम गाइस मैंने परचेज किया लैपटॉप का, क्योंकि काफ़ी सारा यूज़ भी हो चुका है। जैसे कि इसमें ही तीन डिवाइस है, तीन का अलग अलग टाइप सी, तो फिर से इसका जो एडाप्टर ना खरीदना पड़े, एंड ऊपर से फिर दो मोबाइल लैपटॉप वो अलग, इसीलिए गाइस ये वाला लिया। एक बार खोल के दिखा दीजिए ना, कितना बड़ा मेरा ये वाला? ये वाला पड़ेगा 900 रुपये। 900 रुपये? गारंटी वारंटी कुछ? एक साल का गारंटी, उसके बाद कुछ हो जाएगा तो आप समझिएगा या फिर कंपनी देख लीजिएगा आप। ठीक है भैया, रिपेयर में बता दिए। अरे एक्सपीरियंस तो कॉल जा रहा है, पार्टी प्रिंटर वाला कॉल नहीं रिसीव कर रहा, बार बार मेल आ रहा मेरे पास। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपना जो है माइक परचेज कर लिया, और ये भैया है गाइस फाइनेंस के। अगर आपको इस तरह का महंगा लैपटॉप या फिर माइक चाहिए होगा तो भैया जो है फाइनेंस करा देंगे। अब जो HDB फाइनेंस है यहाँ पर जो है फाइनेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है ना जी ना भैया, सब कुछ फाइनेंस हो जाएगा ना यहाँ पे? फाइनेंस भी हो जाएगा। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।